भीड़ भाड़ हो चुकी है बिकॉज कॉलेज में एडमिशन ये सब हो रहा है और टूटे फूटे कैंटीन से थोड़ा. हे गाइस, दिस इज मी एलिस स्वेफ्ट, वेलकम बैक टू माई चैनल. और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इतने लंबे लॉकडाउन के बाद आज मैं फाइनली घर से बाहर निकली हूँ और मैं आज आई हूँ अपने कॉलेज, एलिस कॉलेज. और अभी मैं अपने डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट के पास पहुँच चुकी हूँ. एक्चुअली मेरा MSc क्लियर हो चुका था बट उसका मार्कशीट नहीं आया हुआ था, वो फाइनली आ गया है तो वही लेने मैं अभी आई हूँ. लेट्स सी कि मुझे आज मिल पाता है कि नहीं. ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मुझे अपना ये सर्टिफिकेट मिल गया, मार्कशीट मिल गया. इसका पूरा अभी तो नहीं मिला, इसका प्रोविजनल, ये सब बहुत कुछ अभी निकालना है. बट थैंक गॉड ये मुझे मिल गया है और यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया. और अब मैं थोड़ा सा आप लोग को अपने कॉलेज का माहौल दिखाती हूँ लॉकडाउन के बाद का, कि क्या है हमारे एलिस कॉलेज में अभी क्या क्या चल रहा है, कैसे भीड़ भाड़ है. तो चलिए आगे दिखाती हूँ. अभी जो आप देख रहे हैं वो है ड्यूक हॉस्टल, जो कि फिलहाल अभी बंद है और काफ़ी फेमस है ये जगह. गाइज, उसी रास्ते से थोड़े से आगे आने के बाद देखो, आप इस साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो ये जो पूरा बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये है आर्ट्स ब्लॉक. और मैं इसको आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है, इसका व्यू कैसा दिखता है. जैसा कि आपने देखा उसमें काफ़ी अच्छी एक पेंटिंग भी बनी हुई है, तो वो पूरा आर्ट्स ब्लॉग है. उधर मेरा कोई काम नहीं है बट मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी और मैं उसे आगे बढ़ रही हूँ और फिर दिखाती हूँ आगे क्या है. और ये थोड़े से आगे बढ़ने के बाद है हमारे कॉलेज का साइकिल स्टैंड, जो कि जो बच्चे आते हैं पढ़ने साइकिल से तो वो लोग यहाँ पर अपना जो है साइकिल लगा सकते हैं. उतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा पुराना टाइप का, थोड़ा सा पेंट वेंट हुआ है बट कुछ टाइम पहले तक तो ये भूत बंगला टाइप का ही लगता था. साइकिल स्टैंड से आगे आने के बाद यहाँ पे जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये है कैंटीन, जिसकी हालत आप देख रहे हैं. मतलब कोई भी यू नो लाइक केयर नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है. देख रहे हैं इसमें पूरे पेड़ आ चुके हैं, जंगल हो चुका है. अच्छा खासा इसको बना देता तो कैंटीन चलता बट बाहर जाना पड़ता है खाने के लिए और इसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है. और टूटे फूटे कैंटीन से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारे कॉलेज का प्लानिटेरियम, जो कि बंद हो चुका है. मैं आपको पूरे आगे से व्यू दिखाती हूँ. तो ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये है हमारे एलिस कॉलेज का प्लानिटेरियम, जो कि काफ़ी टाइम पहले, मतलब बहुत ही सालों पहले बंद हो चुका है. और इसके बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश की कि यू नो लाइक क्यों बंद हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं. और मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का. तो अगर आप लोगों को देखने का मन है तो कमेंट में बताइएगा. बैकग्राउंड
अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे लंगत सिंह का स्टैचू बना हुआ है और ये लाइक ऑडिटोरियम टाइप का है, जो भी फंक्शंस होते हैं तो वहीं पे होता है। और इसके अगर आगे दिखाऊं तो पूरा लाइक मेन गेट है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। और अभी मैंने तुरंत मास्क पहन लिया बिकॉज़ वहाँ पे पूरा खाली था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। बट इधर आने के बाद मैंने देखा, आप लोग देख रहे होंगे बाइक से बहुत ज़्यादा आना जाना सब कर रहे हैं और थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी है बिकॉज़ कॉलेज में एडमिशन ये सब हो रहा है। तो भीड़ भाड़ में आप लोग भी हमेशा मास्क पहन के और सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गई है तो अभी मैं भीगते हुए तो घर नहीं जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग ऐसे, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं तो उसी पेड़ के नीचे जो है हम सब लोग जो है वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का या थोड़ा सा कम हो जाए। और मैं दिखाती हूँ, ये है यहाँ पे गेट है, इधर में आगे में इसका मेन गेट और यहाँ पे देखिए भेलपुरी वाले भैया भी हैं और इधर देखोगे तो वहाँ पे पानी पूरी लगा हुआ है और यहाँ पे भेलपुरी वाले भैया हैं जो पहले भी आते थे, वही वाले भैया अभी आने लगे हैं। बट मैं बाहर का खा नहीं रही हूँ और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि बाहर का भी ना खाएं क्योंकि सेफ नहीं है। खाना भी है तो आप लोग जाइए किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे पूरी अच्छी तरह से हाइजीन सैनिटाइज़ करके दे रहा है, वहाँ पर खाइए। और मैंने भी अभी बाहर पे कुछ नहीं खाया है, बाहर पे ऐसे नहीं खाना है अभी, आप लोग को कोई नहीं खाना, मैं भी नहीं खा रही हूँ, आप लोग भी मत खाइएगा। के चक्कर में मुझे आधे घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ा और मैं पूरी भींग चुकी हूँ, दिख रहा है लिटरली, लगता है कि मैं नहा चुकी हूँ। और जब वहाँ से नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे मैं रुकी हुई थी और फाइनली रुक गया, एक्चुअली रुका नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड हमारा कॉलेज दिख रहा है तो थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और देखती हूँ आगे कुछ दिखाने वाला होगा तो दिखाऊंगी या फिर यहीं पर एंड करूंगी। कॉलेज से तो मैं कैसे भी करके निकल गई, बारिश तो अभी भी हो रही है। और मुझे एक कॉल आया था, मेरा एक कोरियर आया हुआ है और वो मेरे एरिया में नहीं आता है, DDBC का है, तो ये मिठनपुरा जो PNB बैंक के ऊपर जो ऑफिस है वहाँ पे आया है। तो मैं अभी ऑफिस में जा रही हूँ और वहाँ से मैं अपना कोरियर जो है रिसीव करती हूँ। पिया पैकेट मुझे रिसीव हो गया है, मेरा कोरियर आ चुका है और मैं घर पे जाने के बाद ओपन करूंगी और फिर दिखाऊंगी आप लोगों की क्या है। बारिश में भींग गई, बाल बाल सब भींग गया, कपड़े भींग गए थे तो मैंने अभी चेंज कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे एक कोरियर रिसीव हुआ है पिया पैकेट, तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ। मुझे छोटा कुछ मिल नहीं रहा था, ये बड़ी वाली कैंची से इसको मैं करती हूँ कट, सॉरी। मुझे खुद नहीं पता है कि इसके अंदर क्या आया है क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सी कंपनी से
आया हुआ है, किस ब्रांड का है, हाथ बिना कच्चा है। यार ऐसे कुछ भी होता है ना तो मैं वेट नहीं कर सकती हूँ ज्यादा, मुझे वेट करना पसंद नहीं। मैं सोचती हूँ बस खोलूं और देखूं। सॉलिड पैकिंग की गई है, खुल नहीं रहा है जल्दी। अच्छा इसके अंदर कुछ डब्बा की तरह है, मुझे दिख रहा है। ओके सो ये डब्बा मुझे आया है, बहुत ही प्यारा सा डब्बा। ओ शिट यहाँ पे ये ऐसे हो गया क्रैक, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो इस पर लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, बट ये न्यूयॉर्क से नहीं आया हुआ है, ये इंडिया से ही आया है। और इसमें आया है ये बायोडर्मा का मिसेला वाटर। सो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बायोडर्मा से मुझे एक बार और आ चुका है, तो उनका मेरा कोलैबोरेशन है। लाइक आई मीन जब भी कुछ वो लोग कोई कैंपेन निकालेंगे तो वो हर बार सेंड करेंगे, बट मुझे पता नहीं था कि ये कब आने वाला है और ये आ चुका है। और बहुत अच्छे डब्बा है, काम आएगा बहुत ही अच्छे। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि ये वहाँ से इतना दूर से आने में ये हो गया है डैमेज, बट मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज आज का मेरा डे ये ऐसा रहा, काफ़ी कुछ किया और भूख लगी हुई है, अब जा रही हूँ खाना खाऊंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।